हेलो एवरीवन, अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर हो कनाडा में, या आपकी स्टडी फिनिश होने वाली है, आपका वर्क परमिट फिनिश होने वाला है, तो एक बहुत ही अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए। ईयर 2021 में कनाडा की गवर्नमेंट जब बनी थी दोबारा जस्टिन ट्रूडो की, तब एक मैंडेट लेटर आया था। मैंडेट लेटर के बारे में बहुत ज़्यादा वीडियोस आप सभी ने देखी थी और उसमें इमिग्रेशन के रिलेटेड 6 से 7 पॉइंट थे जो कनाडा इमिग्रेशन ने कंप्लीट करने थे या कनाडा की गवर्नमेंट ने कंप्लीट करने थे अपने जो कह सकते हैं प्रोसेसिंग टाइम के दौरान नेक्स्ट इलेक्शन से पहले। उनमें से एक डॉक्यूमेंट ऐसा था या कह सकते कि एक अनाउंसमेंट ऐसी थी, जब वो आई थी बहुत सारे लोगों को खुशी हुई थी बट इम्प्लीमेंट बहुत कम हुई थी। अब वो इम्प्लीमेंट होने वाली है। कौन सी वो अनाउंसमेंट है? वो है लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी देने के बारे में। बहुत ज़्यादा लोग कनाडा में अनडॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, जिनका स्टेटस एक्सपायर हो गया है, वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल फॉरेन वर्कर भी हो सकते हैं, वो किसी भी स्टेटस के ऊपर पहले थे। अगर आपका स्टेटस एक्सपायर हो गया है या आप आउट ऑफ स्टेटस हो गए हैं, तो आपके लिए अच्छी अपडेट है कि कनाडा की गवर्नमेंट सोच रही है आने वाले दिनों में आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आने के बारे में। रिसेंटली कनाडा के GTA में भी आपको पता है कि प्रोग्राम चल रहा है, जैसे जिसके तहत कंस्ट्रक्शन वर्कर को PR दी गई थी। तो कनाडा प्लान कर रहा है, कनाडा दो चीज़ें प्लान कर रहे हैं। स्पेशली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि जितने भी अनडॉक्यूमेंट वर्कर हैं या स्टूडेंट है, कोई भी पर्सन है, तो उनके लिए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। अगर तो उनको परमानेंट रेजिडेंसी उनकी पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्टेटस नहीं है, चाहे कोविड के दौरान हो, चाहे कोविड से पहले हो, चाहे कोविड के बाद हो, उन लोगों का भी इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। कैनेडियन गवर्नमेंट उनका थैंक यू करती है। तो ऐसे में आपके लिए प्रोग्राम आने वाला है आने वाले दिनों में। जैसे मैनिटोबा में उन्होंने वर्क परमिट जिनका एक्सपायर होने वाला था उनको 2 साल की एक्सटेंशन दे दी है। फेडरल लेवल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोविंस हैं वो भी लेटर लिख रही हैं, जो कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट है, कि आप हमारे जो स्टूडेंट हैं, जैसे ओंटारियो हो गया, अल्बर्टा हो गया, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है जो वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले जिनके, तो उनके बारे में भी गवर्नमेंट सोच रही है। बट ये मैंडेट लेटर में लिखा गया था कि अनडॉक्यूमेंट वर्कर हैं जो, उनके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचेंगे और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ी अनाउंसमेंट कनाडा गवर्नमेंट कर सकता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से एक और अपडेट कह सकते हैं कि वो जो कनाडा के लोकल लोग हैं उनसे ये चीज़ पूछ रहे हैं कि इमिग्रेशन के सेक्टर में हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि आने वाले 4-5 मंथ में उन्होंने एक नया इमिग्रेशन का प्लान है जो अनाउंस करना होता है इन दी मंथ ऑफ नवंबर। लोगों की कंसल्टेशन मांग रहे हैं, ऐसे में उनसे पूछ रहे हैं कि किस सेक्टर में हमें इमिग्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि जो अगर आप अनडॉक्यूमेंट वर्कर हो, आप आउट ऑफ स्टेटस हो चुके हो, तो आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो अपडेट है आने वाली है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।